चर्चित परिवारों में शुमार है पटौदी फैमिली। पटौदी फैमिली से अक्सर खबरें आती रहती हैं। रिसेंटली पटौदी परिवार से एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पटौदी परिवार को सालों बाद राहत भरी खबर मिल चुकी है। जी हां, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, जो आज के समय में अरबों की संपत्ति की मालकिन है और बेहद आलीशान जिंदगी बिताती हैं शर्मिला टैगोर, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि शर्मिला के लाडले इकलौते बेटे नवाब सैफ अली खान, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, सैफ अली खान भी अरबों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं। सैफ जो इस वक्त काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं बेबो करीना कपूर खान और अपने दोनों ही बेटों के साथ। बता दें आपको, रिसेंटली शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान और उनकी दोनों ही बहनों यानी कि सोहा अली खान और सबा अली खान को एक राहत भरी खबर मिल चुकी है। चर्चा करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार पटौदी फैमिली में क्या गुड न्यूज आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। दरअसल शर्मिला टैगोर को अपनी एक प्रॉपर्टी के मामले में एक बेहद राहत भरी खबर मिल चुकी है। आखिरकार कौन सी है ये प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में गिनी जाती है और इस प्रॉपर्टी को लेकर किस तरीके से विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया था। इस प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब राहत भरी खबर मिल चुकी है शर्मिला और सैफ अली खान को। देखिए ये रिपोर्ट। बीटाउन में चर्चित पटौदी फैमिली का एक अलग ही नाम और रुतबा है। पटौदी फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही रुतबा बना रखा है। जी हां, अरबों की संपत्ति की मालकिन है दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर के बेटे एक्टर सैफ अली खान नवाब कहे जाते हैं। पटौदी पैलेस की मालकिन है शर्मिला टैगोर, जो भले ही बीते लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन अपने इस पटौदी पैलेस के जरिए शर्मिला टैगोर करोड़ों की कमाई कर लेती है। पटौदी पैलेस में फिल्मों की शूटिंग चलती है और इस शूटिंग के जरिए ही वह करोड़ों रुपए कमा लेती है। वेल, अक्सर देखने को मिला है कि इस शानदार और लग्जरियस पटौदी पैलेस में पटौदी फैमिली वेकेशंस एंजॉय करती हुई नजर आती है। अक्सर देखने को मिलता है कि सैफ अपनी पत्नी बेबो करीना कपूर खान और अपने दोनों ही बेटों के साथ यहां पर जमकर एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर आई है। बता दें आपको, पटौदी फैमिली को राहत भरी खबर मिल चुकी है। शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान को बेहद राहत मिली है जब जबलपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि लंबे समय से शर्मिला टैगोर की भोपाल की संपत्ति पर विवाद चल रहा था। दरअसल वीआईपी रोड पर रेलिंग और फुटपाथ बनने से शर्मिला और सैफ की भोपाल के कोहे फिजा स्थित जमीन पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया था। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने कोहे फिजा जमीन मामले में अब रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है। बात की जाए इस मामले के बारे में, आखिरकार ये मामला क्या है। बता दें आपको, इस मामले में पूर्व में शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और तब हाई कोर्ट ने इसे कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विषय सिविल कोर्ट में ले जाने लायक है। रिव्यू याचिका कोर्ट ने अब स्वीकार कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये मामला कोहे फिजा की खसरा नंबर 80 की जमीन का है। नवाब पटौदी खानदान की भोपाल स्थित कोहे फिजा में पैतृक संपत्ति मौजूद है और यहाँ पर पटौदी खानदान की बेशकीमती जमीन है। वर्तमान समय में इस संपत्ति की मालकिन है शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिरकार इस जमीन को
लेकर विवाद कब खड़ा हुआ था। दरअसल प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रेलिंग और फुटपाथ बना दिए थे। इससे शर्मिला और सैफ अली खान की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे और इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान ने, जिस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्प मार्ग उपलब्ध कराने के आदेश भी दे दिए थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये कहा गया था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सैफ और शर्मिला टैगोर ने इस आदेश के खिलाफ अपील भी की थी, जो कि खारिज कर दी गई थी। इस शुक्रवार के दिन जब चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी साल जून के महीने में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। वहीं शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आर के पंचोली ने पक्ष रखा। ऐसे में देखा जाए तो अब इस मामले में राहत मिल चुकी है शर्मिला और उनके बेटे सैफ अली खान को। बता दें आपको, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमठ और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच इस मामले में जल्द ही विस्तृत में अपना फैसला सुनाने वाली है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, शर्मिला टैगोर जो अरबों की संपत्ति की मालकिन कही जाती है, जहां एक तरफ बेहद शानदार और लग्जीरियस पटौदी पैलेस की वह मालकिन है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। वहीं नवाब पटौदी के निधन के बाद 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है शर्मिला टैगोर। इसके अलावा संपत्ति में ज्यादातर हवेलियां शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में गिनी जाती है। सिर्फ पटौदी पैलेस की मालकिन नहीं है शर्मिला टैगोर, बल्कि इस हवेली के अलावा और भी करोड़ों की जमीन और जायदाद है, जिसकी संपत्ति की वह मालकिन है। जहां एक तरफ शर्मिला टैगोर के बेटे हैं सैफ अली खान, तो वहीं दो बेटियां हैं सबा अली खान और सोहा अली खान। वहीं बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान उनकी बहू है। ऐसे में देखा जाए तो पटौदी फैमिली के सदस्य अरबों की संपत्ति के मालिक है और काफी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जीते है। फिलहाल देखा जाए, जिस तरह से इस मामले में सभी को राहत मिली है, ये पूरे ही परिवार के लिए वाकई में बेहद बड़ी खुशखबरी है। आप सभी ने देखा जाना शर्मिला टैगोर के बारे में किस तरह से उन्हें अब इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर ये राहत भरी खबर मिल चुकी है। वेल, फिलहाल देखा जाए तो शर्मिला टैगोर और उनका पूरा ही परिवार बेहद खुश है। पटौदी पैलेस की मालकिन है शर्मिला टैगोर और आज के समय में अरबों की संपत्ति की मालकिन कही जाती है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।